टिप्स निकाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स आपने अपने पास नोट करके रखने हैं। ये वीडियो डाउनलोड कर लो या वीडियो अंत तक देखना। जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो चाहे रियल स्टेट में भी हो। दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए भी मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये बात कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप स्टॉक मार्केट के लिए भी कोई ना कोई टिप दिया करो। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट के लिए भी है और रियल स्टेट के लिए भी। मैंने 9 टिप्स निकाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू मेक बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 9 टिप्स हैं। इसके लिए ये टिप्स आपने अपने पास नोट करके रखने हैं। ये वीडियो डाउनलोड कर लो या वीडियो अंत तक देखना। कॉपी पेन लेके इसमें नोट कर लो ताकि ये ना हो कि ये वीडियो आपसे मिस हो जाए। सबसे पहले 9 लिखा मैंने। 9 क्यों लिखा है कि कहीं हम जहां भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि हमारा दिल नहीं मान रहा, यदि कोई प्रॉपर्टी एजेंट के पास हम गए और प्रॉपर्टी एजेंट हमें कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी ले लो, तो आपका यदि दिल नहीं मानता तो वो प्रॉपर्टी आपने नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। और यदि लेनी भी है तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है। जहां ये लिखा है मैंने, थोरो एनालिसिस करना है उसका, फिर कि हमें नहीं ठीक लग रही, प्रॉपर्टी एजेंट कह रहा है कि ठीक है, और प्रॉपर्टी एजेंट यदि कह रहा है ठीक है तो उसकी स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना है। दूसरे नंबर पर लिखा है कांट से। ये कैंट से नहीं, कांट से। कांट से का मतलब है कह नहीं सकते। कह नहीं सकते का मतलब कंफ्यूजन है। आपको यदि कंफ्यूजन है तो भी नहीं लेनी। जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो चाहे रियल स्टेट में भी हो। अब कांट से जब तक कैन से या कंफर्मेशन के ऊपर नहीं आ जाता तब तक हमने नहीं लेना। कांट से को हमने कंफर्म के ऊपर लेके आना है। यदि हमारा कांट से या कंफ्यूजन हमारी जो है कंफर्म के ऊपर आ जाती है तो डेफिनेटली फिर हम उसको ले सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों शब्दों का आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ध्यान रखना है। अगला जो है ये रियल स्टेट की एजुकेशन में, रियल स्टेट ट्रेनिंगों में मैं आम ही पढ़ाता हूँ कि जब भी रियल स्टेट लेनी है उसका सबसे पहले हमने कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेट करना है, उसके बाद मैनिपुलेशन या मैनेजमेंट फिर करनी है ताकि हम रियल स्टेट लेके उसमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसमें से बेस्ट प्रॉफिट निकाल सके। तो कैलकुलेशन को तो आप समझ सकते हो, कोई प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं उसके ऊपर खर्चे कितने हैं, यदि वो जमीन गहरी है उसमें मिट्टी कितनी डालनी है, यदि हमने उसकी चार दीवारी करानी है चार दीवारी के ऊपर कितना खर्चा होना है, कोई और कोई खर्चे हो सकते हैं। सब तरीके से हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। कंपेरिजन का मतलब ये है कि आस पास में रेट क्या है और हमारी प्रॉपर्टी में रेट यदि हमें कम लग रहा है तो क्यों कम लग रहा है। क्योंकि कहीं 60 फुट की रोड होगी वहां रेट ज्यादा होगा, कहीं 20 फुट की रोड होगी वहां रेट कम होगा। ये कंपैरिजन हमने जरूर करना है। फिर मैनिपुलेशन या मैनेजमेंट, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं फिर कि हमने उस प्रॉपर्टी को किसी भी एंगल से किसी राइट बायर ढूंढ के, कोई राइट बायर ढूंढ के उसको बेचना है और उसमें से हमने प्रॉफिट निकालना है। यदि हम यह काम कर सकते हैं तो फिर हमारा हम प्रॉपर्टी कारोबार अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत स्किलफुली कर सकते हैं, उसमें से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। यह तीसरा जो है यह बेंजामिन ग्राहम की किताब में से लिया मैंने। बेंजामिन की ग्राहम की किताब कौन सी है? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले वो कहते हैं थोरो एनालिसिस करो। जो भी आपने स्टॉक खरीदना है उसके लिए हमें पूरी तरीके से थोरो एनालिसिस करना चाहिए। थोरो एनालिसिस का मतलब यही है कि हर एंगल से उसको देखना है कि इस ये पहले ये क्या था, आगे वाला टाइम इसके लिए क्या हो सकता है, आज के टाइम क्या है, हर चीज से देख लेना। नंबर 2 सबसे जरूरी चीज जो रियल स्टेट में भी लगती है, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसा लगा दें हमारा प्रिंसिपल ही डूब जाए। प्रिंसिपल नहीं डूबना चाहिए, चाहे वो आपका रियल स्टेट हो चाहे आपकी स्टॉक मार्केट हो। यदि स्टॉक मार्केट भी है तो भी हमने
इतना रिस्क लेना, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस के ऊपर चल के करके चलना है कि जहां स्टॉप हमें लगे कि ऊपर जा रहा है रेट, ठीक है, जब वो नीचे आना शुरू हुआ तो उसको वहां स्टॉप लॉस लगा देना। हमने स्टॉप लॉस आप नोट कर सकते हो, स्टॉप लॉस, और यदि स्टॉप लॉस लग गया आपका तो डेफिनेटली आप नुकसान से बच सकते हो। तो मैंने कई प्रॉपर्टी डीलर ऐसे देखे हैं जो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है फॉर एग्जांपल, तो उसको पहले बेचते नहीं है, और जब उनको मतलब थोड़ा बहुत नीचे भी कई बार मार्केट नीचे ऊपर हो जाती है, कोई 5-10 लाख रुपया घाटा भी पड़ता हो तो नहीं बेचते। तो मैंने एक ऐसा प्रॉपर्टी डीलर भी देखा है जिसने 5 साल बाद वो 50% रेट में बेची प्रॉपर्टी। मोहाली में बहुत ज्यादा मंदा आ गया था, तो बहुत ज्यादा मतलब 4 फेज की कोठियां थी, 2 किसी बंदे ने बनाई थी, कनाल कनाल की कोठियां, तो वो 60 लाख रुपए वाली कोठी उन्होंने 37-37 लाख रुपए में बेचनी पड़ी थी, जबकि 60 वाली उन्होंने पहले 58 लाख में नहीं दी। तो कई बार इस तरीके का आ जाता है, तो उसमें भी हमने स्टॉप लॉस देख लेना है। स्टॉप लॉस में आगे सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल तो आ गया, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल में हमारा प्रिंसिपल तो कम से कम डाउन ना हो। थोरो एनालिसिस करने के बाद इस जगह पे हमने पैसा लगाना है जहां हमारा प्रिंसिपल हमें नुकसान ना कर दे। और दूसरा नंबर पर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट हो या स्टॉक मार्केट हो, तब आएगी जब हमारे सारे सिस्टम ठीक होंगे, हमारे जो पैरामीटर्स हैं सारे पैरामीटर ठीक होंगे। यदि हमें इसके ऊपर आ जाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आ जाती है, उसमें पैसे हमें बचने शुरू हो जाते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारी प्रूव हो सकती है। सो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ऐसी गलती करनी नहीं है आपने, ये सीखने के लिए मतलब आपने जोर लगा देना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है टाइम, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने किताबें पढ़नी है, आपने अच्छे लोगों की संगत करनी है, आपने अच्छे लोगों के साथ बैठना है, आपने प्रॉपर मत्था मारना है। मत्था मारने का मतलब एनालिसिस करना है। यदि आप ये करने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पर कहीं तक भी किसी भी लेवल तक आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके ऊपर चर्चा करना, चैनल सब्सक्राइब करके अभी घंटी वाला बटन दबा दो। थैंक यू, मिलता हूँ जल्दी।